मैं यहाँ से मार्केट से अपने काम के लिए गुजर रहा था, तो जैसे ही मैंने आपका स्टॉल देखा, बहुत अपीलिंग, बहुत अट्रैक्टिव लगा मुझे, और जिस तरह से आपका फिर मैंने मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो मैं और अंदर खींचा हुआ चला आया। तो मैंने कहा, और नाम आपने जो लिखा है मिस्टर ब्लॉगर, ये यही समझिए कि बस इस नाम ने मेरे को एक और एक अपील किया। तो तीनों चीज़ें एक जैसी एक जगह मिल गई भाई। यही है कि जैसे गुड़ से शक्कर बनती है ना, तो ये वही वाली बात हो। तो मुझे इतना पसंद आया, और आपका मुस्कुराहट, आपका व्यवहार, आपका टेस्ट, फिर आपने एक सिंगल यूज़ जिस तरह से पत्ती का किया, वो बहुत खूब जमा मुझे। और स्वाद तो कहने गया तो आप इतनी सारी चीज़ें जहाँ मिल जाती हैं तो वहाँ उसका जो अंत होना है तो वो अच्छा ही होगा। तो वो परिणाम मेरे को चाय के रूप में बहुत अच्छा मिला, और मैं ये चाहूँगा कि ये परिणाम इसी तरह से आपको आगे लोगों से मिलता रहे, स्वाद के रूप में भी और मुद्रा के रूप में। बस मैं लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी नीयत और मेहनत दोनों सही दिशा में अगर आप कर रहे हैं और सच्चे दिल से करेंगे, तो आपका प्रयास जरूर सफल होंगे। और क्योंकि आजकल लोग शॉर्टकट जरूर अपनाते हैं, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, तो कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलें, कुछ अलग करें, और दुनिया की परवाह ना करें कि मैं जो कर रहा हूँ सक्सेस ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे। भाई आप सक्सेस है तो भी लोगों ने कुछ ना कुछ कहना है, नहीं है तो भी कहना है। तो ज़िंदगी आपने लोगों के लिए नहीं जीनी, आपने अपने लिए जीनी, और आपके एक विजन के साथ आप किसी काम को करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आदमी जोश में काम तो शुरू कर देता है, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं होती, हौसला नहीं होता, आधे रास्ते तक चलते हुए उसको समझ नहीं आता, जैसे ही काम कम होने लगता है वो काम छोड़ देता है, हिम्मत छोड़ देता है, धैर्य छोड़ देता है। तो आप ऐसा ना करें। जिसके पास विजन होगा वो कितना भी मुश्किलें होंगी वो उसको पार कर जाएगा, क्योंकि उसका माइंड क्लियर है कि मेरे को ये गोल अचीव करना है। तो फिर वो दुनिया की बातों से और छोटी मोटी परिस्थितियों से जो होती हैं उससे वो घबराता नहीं, उसको वो पार कर लेता है। तो जैसे नदी होती है, आप कहीं भी रुकावट आती है वो अपनी धारा बहती, वो बहने का काम है उसका, वो बदल देती है दिशा लेकिन बहती रहती है। ऐसे ही प्रयास वो होते रहना चाहिए। तो मैं चाहूँगा आपको ऐसी इसी तरह से आप प्रयास करते रहें, जीवन में आप सफल हों, और सब लोगों के लिए इसी तरह का आनंददायक चाय और स्वादिष्ट, इसके अलावा और भी बढ़ोतरी करें आप।